हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट मैं वर्षा स्वागत करती हूं, के चैनल पर कैसे में एंटर नहीं किए जल्दी से एक बार क्लास में आ जाओ और क्लास को लाइक दो शेयर कर देन वी विल स्टार्ट एक से क्लास को मैं भी शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए वेरी गुड मॉर्निंग विजय हर्षवर्धन कैसे भाई आप सभी जल्दी से एक बार क्लास को फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन वेरी स्मूथली हाँ जी मैं एकदम बढ़िया हूँ आप लोग कैसे हैं कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी सो सो लेट स्टार्ट सेशन बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर रहे हैं आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड यू कैन प्रिपेयर वेल विद अस ठीक है आप लोग कोई दिक्कतें हो सारी तैयारियां और सारा मेहनत एक साथ बिल्कुल आराम से मजे में हो सके ठीक है और साथ साथ में सेवन की ऐप होना भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों जरूरी है अभी जो मेरा सेशन था काफी बच्चे बोले थे कि मैम ऐप पर लॉग कैसे करते हैं ऐप पर फ्री चीजें कैसे अवेलेबल होती है बेटा अगर ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो एक चीज होती है मोबाइल में जब पहली बार कोई नया मतलब कोई नया ऐप आता है या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन आप एड ऑन करते हो तो आप लोग को ना एक मन में ना चुल होती है कि बार बार इसको चेक करना है चेक करना है तो जैसे आप फर्स्ट डे ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको इसके फिर फीचर्स को जानने का मन करेगा जब आप इसके फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे देन यू विल केम टू नो कि कितनी नई चीजें आप लोगों के लिए हैं और जो नई चीजें हैं कैसे आप लोग को कितना बेटर तरीके से हेल्प कर सकती हैं सो प्लीज इन सब चीजों को आप कंसिडर कीजिएगा ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट है एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए और ऐप के साथ साथ एग्जाम सेलेक्ट करना एग्रीकल्चर ऐप होना ही सिर्फ मस्त नहीं के बाद उसको करना है हर दिन ले सके। साथ में आप को कर जितने भी हमारे हैं जो अभी इस क्लास में भी अटेंड कर रहे हैं IBPS, SO वाले स्टूडेंट जो इफ्को को भी टारगेट कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 15 तारीख है तो गाइज आप लोगों के पास ये बैच होना चाहिए क्यों होना चाहिए भाई? सुबह दस बजे से रात के आठ बजे तक पूरे एक दिन में दस घंटे आप लोग को दस फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं और ये कोर्स आप लोग के पास छह महीने तक रहने वाला है जिससे आप अपने एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स को हर दिन फ्रेशन कर सकते हैं हर दिन ब्रशन कर सकते हैं और तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं तो ये बैच जो आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है वाई थ्री वाई Y344 कूपन कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ये अवेलेबल हो रहा है तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इफ को एग्जाम यू कैन एनरोल इन दिस बैच इट्स योर चॉइस कौन सा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप बैच में और क्लासेस में एंटर किया करो ठीक है कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एस लेवल एग्जाम्स को टारगेट करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर की भी क्लासेज में आ जाते हैं तो मुझे उनको बोलना पड़ता है कि बेटा मत पढ़ो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जबकि एक एज अ बींग टीचर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट अगर

काप्स कौन से फिशेस को कहा जाता है breeding. Breeding, 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 तो क्वेश्चन इज फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग कैप्टिव ब्रीडिंग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग आपके मेरीन वाटर ब्रीडिंग आपका इनलैंड वाटर ब्रीडिंग तो आपसे पूछा है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जिसमें आप ब्रीडिंग इंड्यूस कर रहे हो दो स्पीशीज के बीच में काप्स में आप ऐसा कर रहे हो दिस इज नॉट यूज आप इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज ठीक है, ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए आप में से कौन से का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एंड क्या होती हैं? <coughs> ठीक है और काप्स के अंदर ही आप हम बात करते हैं जो भी आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग और जो ज्यादातर मेनली फ्रेश वॉटर में ठीक है फ्रेश वॉटर में जो मेनली आपका फिशेज इस्तेमाल होती हैं फिशेज कल्टिवेटेड होती हैं दीज आर कंसिडर्ड एज काप्स तो मेजरली इसके एग्जाम्पल जब भी आपसे काप्स वर्ड कहा जाए तो काप्स के एग्जाम्पल आपके राहु कट रोहू है राहू नहीं है राहु केतु नहीं बेटा ये रोहू है और कटला है दीज आर द फ्रेश वाटर फिश तो बैकबोन ऑफ एक्वाकल्चर और फिशरी इनको कहा जाता है जी यस यू कैन अप्लाई या जय यादव अगर आप एथ सेमेस्टर में है तो यू कैन अप्लाई फॉर श्योर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ चलिए इन हाँ इनलैंड में ये आपका ग्रो होती हैं और साथ में हम कह सकते हैं पवित्रा ये आपका फ्रेश वाटर फिशरी की कैटेगरी में आती हैं जी एंड द राइट आंसर इज मिथाइल टेस्टिस्टेरोन कि मिथाइल टेस्टेस्टरोन का कल हमने एक क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको मिथाइल टेस्ट बताया था एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको मिथाइल टेस्टर ही बता रही हूँ बट क्वेश्चन इज डिफरेंट मेलनेस को मेलनेस करेक्टर को इंड्यूस करने के लिए हम मिथाइल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के टाइम पे आप मिथाइल टेस्ट्रोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे यू विल यूज ओवा प्रीम ओवा टाइड और वोवा एफ एच इनका इस्तेमाल आप करेंगे ठीक है हाँ क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मनीष कुमार डेली आपकी सुबह क्लास दस बजे होती है फिशरी की जिसमें हम फिशरीज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक है तो ये वो क्वेश्चन अच्छा आज के क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम अच्छा मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म किया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम हुआ था फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर का 2016 में तो ये 2016 के फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के क्वेश्चंस हैं ओके गाइस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और साथ में जितने स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है प्लीज मुझे हमेशा लाइक और लाइव का रेशियो बराबर दिखना चाहिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइव आगे निकल गए हैं और लाइक पीछे रह गए हैं दोनों हमेशा इक्वल रहने चाहिए तो जल्दी से फटाफट से जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सबके सब एक बार लाइक कर दो यार इसमें तो कोई वो नहीं होना चाहिए क्या दिक्कत हो जाती है अगर आप लाइक बटन को

जब मेल चेज बिहाइंड द फीमेल तो इस तरह की चेजिंग को क्या कहते हैं देर आर थ्री फोर मेल काइंड ऑफ चेजिंग्स। आपका थिपको गायनी है लिंग गायनी है लिन गायनी है लेटरो गायनी है और सब गायनी है तो मेल चेज बिहाइंड द फीमेल ये आपका फीमेल अगर कार्प है और मेल जो है इसके पीछे इसको चेज करते हुए इसको फॉलो कर रहा है सो दैट दे कैन मेट एंड प्रोड्यूस न्यू कार्प्स और यहाँ पे मेटिंग के बाद न्यू कार्प्स और न्यू ऑफ का डेवलपमेंट हो सके तो इस तरह की चेजिंग को क्या कहा जाता है एंड गाइज यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन थिपको गायनी क्या होता है लिंग गायनी क्या होता है लेटरोगी क्या होता है सबके सब ये सारे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए ठीक है हाँ जी बिल्कुल हाँ तो आप मनीष क्या कर सकते हो क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है एग्रीकल्चर अड्डा पर आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास आपकी होती है एक बजे आप वो वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो ठीक है बेटा यूट्यूब की क्लास तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो आप मुझे बता दीजिए अच्छा थिपको गायनी क्या होता है लिन गायनी क्या होता है लेट्रो गायनी क्या होता है सब गायनी क्या होता है बताओ जल्दी से इन सभी गायनी का मतलब बता दीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है गाइज आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए गए हैं तो क्वेश्चंस को जब मैं कराती हूं तो प्लीज बी फोकस्ड हाँ अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ मनीष फोर्थ सेमेस्टर में हूँ यानी कि आप अभी सेकेंड ईयर में हो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट अच्छी बात है आप लोग का सिलेबस और मतलब कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे जब तक एग्जाम आएगा ये बात अच्छी है ये आपका हाइपोगा सॉरी इसमें टी एक्स्ट्रा गलती से लग गया है एम रियली सॉरी मैं इसको रीड कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है ये आपका हाइपोगाइनी है ठीक है बी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका हाइपोगाइनी है व्हेन द मे फीमेल जो पार्ट है अ फीमेल जो और, आपका कार्प है उसमें आपका मेचोरिटी uh, जल्दी आ जाती है दैट इज योर हाइपोगाइनी क्वेश्चन इज मेल चेज बिहाइंड द फीमेल तो इस टाइप की चीजिंग को सब गाइनी कहते हैं ठीक है इस टाइप की चेजिंग को हम सब गायनी कहते हैं वेन मेल चेज बिहाइंड द फीमेल तो क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होमवर्क है रिंकू नीलम क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होमवर्क ये है यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है टाइप्स ऑफ चेजिंग ठीक है इससे आप लोग भी कम से कम गूगल पे सर्च करोगे अपने नोटबुक्स को चेक करोगे और कल के दिन प्रिपेयर होके क्लास में आओगे क्योंकि देखो यार ऑनलाइन क्लासेस इसलिए चल रही हैं क्योंकि आप लोग का ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू तो द कोविड सिनेरियो तो आपका प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए मतलब तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली तो हम बिल्कुल नहीं बैठने देंगे तो यू हैव टू सर्च द टाइप्स ऑफ चेजिंग और प्लीज कमेंट कर दिया करो जब आपको एक होमवर्क दिया जाता है तो आप लोगों से एक उम्मीद जुड़ती है आप लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी फील होती तो प्लीज होमवर्क के क्वेश्चन जरूर लिखा करो ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा सामने स्क्रीन पर इनहेट्रो न्यू न्यूटिस ठीक है फोर्सेस द टोटल नंबर ऑफ बार्बल्स अक्रिंग आर कितने बार्बल्स होंगे ठीक है आपसे पूछा है कि हेट्रोन्यूटिसोसिल्स जो आपके होते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ बार्बल्स प्रेजेंट होते हैं तो वट इज टाइप्स ऑफ चेजिंग इज योर होमवर्क और जो न्यू स्टूडेंट्स है काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई बात नहीं आप लोग के पास क्लासेस तो अवेलेबल है आज आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे होंगे लेकिन मैंने तो क्लासेस डेली ली है तो मैंने वैसे टाइप्स ऑफ चेजिंग यूट्यूब पर नहीं आपको अभी तक पढ़ा है आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूं ताकि आप इसको सर्च करके आए फिर बैचेस की क्लासेस में और यूट्यूब पर क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये चीजें और एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा येस yes, हर्षवर्धन ने आंसर किया अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई वेरी गुड मॉर्निंग जो अभी कनेक्ट कर रहे हैं द राइट आंसर इज एट डी वुड बी द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखा करो पहले क्वेश्चन नंबर लिखा करो ऐसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर थ्री है एंड देन यू हैव टू मेंशन द ऑप्शन थ्री डी ऐसे करके लिख दो ताकि मुझे चीजें क्लियर हो जाएं द राइट आंसर फॉर द टोटल नंबर ऑफ बार्बर्स इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज एट आउट ऑफ दिन कौन ट्राउट्स दू है साइंटिफिक नेम the uh, क्या है सॉरी बोटनिकल ने आप प्लांट के के केस में बोलते हैं इनके केसेस में तो आप क्या बोलेंगे साइंटिफिक नेम बोलेंगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से साइंटिफिक नेम क्या है आपका इंडियन ट्राउट का जी अभिषेक uh, आप लोग के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ठीक है आज आई थिंक मोस्ट प्रोबली आज से या फिर कल से आप लोग सिक्स टू सेवन पी एम में शाम को आप लोग के एग्रीकल्चर या ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर ही आप लोग के लिए फूड साइंस का सेशन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ फॉर योर टी ओ एंड सी एफ एस एग्जाम एज ऑलवेज ठीक है जैसे कि पहले चल रहा था ओके okay? तो फिकर मत करो उस चीज की योर क्लासेज विल बी ऑन ट्रैक सून नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आउट ऑफ द फॉलोइंग द इंडियन ट्राउट इज ये तो आपको याद करना पड़ेगा नाम ठीक है इसमें तो कोई सेकेंड uh, थॉट हो ही नहीं सकता है बैरिलियस बोला बैरिलियस बोला इज अ नेम ऑफ द सेलमो गो गरी नहीं है इसका नाम बैरिलियस बोला है ठीक है ए वुड बी द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगजनरी बार्बर्स इन दिस फिश आर इक्वल टू रोस्ट्रल बार तो जो मैग्जिलरी बार्बल्स होते हैं और जो रोस्टल बार्बल्स होते हैं दोनों का नंबर सेम होता है कौन से फिश के अंदर ऐसा होता है ठीक है मैक्सिलरी बार्बल्स का नंबर और रोस्ट्रल हालांकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं आज वाले क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के हैं आईबीपीएस में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं बट मैं इन्हें इसलिए करा दिया क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट से मुझे मिले थे तो मुझे लगा कि आप लोग को इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसलिए भी क्लास अटेंड कर रहे होंगे कि वो अदर स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स को सो दैट इज इट इम्पोर्टेंट तो ये कंपनी का यहाँ पर कवर करना इंपॉर्टेंट है ठीक है यस yes, क्या बात हो गई है रिंकू हाँ ऐसे मुंह सड़ाने वाली हरकतें तुम लोग कैसे करते हो यार इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो जाते हो तुम लोग सुबह सुबह एक दूसरे से नाराजगी नफरतें कैसे आ जाती है तुम्हारे जहन में सुबह सुबह द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज टोर खुदरे ठीक है टोर खुदरे इज अ नेम ऑफ द फिश जिसके अंदर मैक्सिलरी बार्बर्स एंड uh, मैक्सिलरी बार्बर्स एंड रोस्ट्रल बार्स की जो संख्या है वो बराबर होती है डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर हर्षवर्धन जीनस का नेम सेम है बट स्पीशीज का नाम डिफरेंट है फर्स्ट थिंग और दूसरी चीज मैं आपको बताते लेबियो डेरो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर तोर खोद रहे है और एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ कि जो आपकी आ, तोर स्पीशीज है हमने कल परसों कुछ दिन पहले वाले सेशन में भी स्पीशीज के बारे में स्पेसिफिक कुछ चीज पढ़ी थी महसीर के बारे में भी कुछ स्पेशली चीजें पढ़ी थी अच्छा बताना जरा महसीर जो है वो कौन सा आ, कौन सा स्टेट कौन से स्टेट के स्टेट फिश है देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से याद रखते हैं महसीर जो है वो कौन से स्टेट की स्टेट फिश है काइंडली गिव द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन कौन से स्टेट की स्टेट फिश है जी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हाँ तो का ही लगता है ऐसे क्वेश्चंस पे पता है और एक बात बताऊं जब हम लोग ग्रेजुएशन में हुआ करते थे हमारे कॉलेज में भी ऐसा ट्रेंड कर दिया था कि हर एक सेमेस्टर में आप लोग के कुछ एमसी क्यू क्वेश्चन आते थे ट्वेंटी एमसी क्यू क्वेश्चन आते थे और सब आपके थियरटिकल पोर्शन होता था तो उस टाइम में तो यार आप न्यू न्यू कॉलेज में गए होते हो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में तो मन भी नहीं होता पढ़ने का पहले तो फिर भी आप लोग थियोरी को तो मतलब लपेट देते हो कहीं ना कहीं से एम सी क्यूज में तुक्का ही जलता है ये क्वेश्चन का आंसर लग रहा है अच्छा लग रहा है ये यहाँ पर सेट बैठ रहा है लगा दो और वो सारे के सारे फिर हो जाते हैं आप लोग के गलत ठीक है तो वही चीज यहां पर मत दोहराओ प्लीज थोड़ा सिंसियरली क्वेश्चन के आंसर करो नहीं आता है तो स्किप कर दो और साथ में नोटबुक में नोट करते हुए चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है इजी इन द सेंस बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यस एम पी ये मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है वेरी गुड मध्य प्रदेश ठीक है नंबर ऑफ ऑस्टिस आर ऑस्टिसाइटिस आर बोनी फिशेज इनको हम बोनी फिश कहते हैं ठीक है थीके? तो आपसे पूछा है कि अगर हम बोनी फिश के स्पीशीज की बात करें तो कितने स्पीशीज है ऑन एन एवरेज ये डेटा आपका ऑन एन एवरेज

चलिए आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपको बताना है इसमें से टफेस्ट यानी कि जो हार्श कंडीशन को भी टॉलरेट uh, कर ले इन द फ्रेश वॉटर सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टफेस्ट अमंग द फ्रेश वॉटर स्पोर्ट फिशेज फ्रेश वाटर स्पोर्ट फिशर में कौन सी आपकी सबसे टफेस्ट हार्ड कंडीशन को टोलेट करने वाली है प्रेस्टीज है एंटीगोनिया है टिंका है या फिर टोर है ये क्वेश्चन मैंने खुद आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे हैं ठीक है ये मेरी मेहनत है अब वो वाले क्वेश्चन वहां ओवर हो गए क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिए थे दो तीन दिन पहले वाले सेशन में और वो मतलब उसी पेपर से लाइक कर रहे थे बट मैंने किसी और सोर्स से आप लोग को कराए थे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और टाइम स्टार्ट नाउ भाई चलिए दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज यस नीलम वेरी गुड हाँ नीलम ने दो आंसर दिए हैं कौन सा कंसिडर करना है नीलम बताओ पहला ऑप्शन या फिर आखिरी ऑप्शन मैम जो आपको सही लगे और जो आंसर लगे आप वही कर लो तुम लोग तो कभी कभी पता वो वाले यार ठीक ठीक लगा देते हैं दो आंसर लगा दिए मैम जो आंसर आपको सही लगे ना आप चूज कर लेना ऐसा मत करो यार एक ही आंसर बताओ और सही बताओ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आ, टोर फिश इज फाउंड इन विच रिवर ये ईयर नहीं है इयर पर कौन से रिवर में मिलती है टोर फिश जो टफेस्ट फ्रेश वाटर फिश है इनमें से कौन से रिवर में कौन सी नदी में पाई जाती है ईयर नहीं है इयर पर रिवर है माने की नदी नर्मदा में तापी में गोदावरी में या फिर गंगा में वट वुड बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्थ एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट्थ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कौन से रिवर में ये फिश पाई जाती है और इस फिश की ये और खास आदत है ये हार्डेस्ट और टफेस्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकती है इन द फ्रेश वॉटर यस हाँ अच्छा फर्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर था ओके नीलम ओके दैट्स वु तभी मैं तुमको एक एक चीज बोलते रहती हूँ हमेशा आई एम सॉरी जब भी क्वेश्चन का आंसर करो तो पहले क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो उसके बाद आंसर लिख दिया करो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है ये तो हर्ड बन गया बट ये हर्ड नहीं eight है एट है ये ठीक है तो एट क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ए है नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर इज अ राइट आंसर ठीक है फ्रेश वॉटर रिवर नर्मदा रिवर इज अ राइट आंसर चलिए नेक्स्ट इज ग्राउंड नट प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन ओके ग्राउंड नट प्रोटीन आपका फिश मील्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक दिन और हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था अबाउट द ग्राउंड नट अबाउट द सोयाबीन मील्स अबाउट द फिश मील्स

ग्राउंड प्रोटीन इज डेफिशियन मिथ्योन सिस्टीन लाइजीन या फिर ऑल ऑफ द वेरी गुड शाबाश आरती हाँ भाई जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के आंसर लगाया करो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आए फटाक से आंसर लगा दो अगर आता है तो नहीं आता है तो सोचो इतना और बच्चे मतलब कवर अप करेंगे ठीक है पर आंसर लगाया करो साथ साथ में तो राइट आंसर इस तीनों ही नहीं होते हैं तीनों ही अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं ठीक है तीनों ही इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने स्क्रीन पर ये रहा सोयाबीन मील यू नो अबाउट द सोयाबीन मील हमने डिस्कस किया था आप लोग का दो तीन दिन पहले वाले सेशन में ऐसा क्वेश्चन आया था द क्वेश्चन इज इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम सारी लिखी है सोयाबीन मील इज अ प्रोडक्ट ऑफटेन फ्रॉम आफ्टर ऑफटेन आफ्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑयल एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं फिश उसके बाद आपका उसके बाद आपका सोया ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सोयाबीन मील बनता है हैविंग क्रूड प्रोटीन लेवल जिसके अंदर क्रूड प्रोटीन कच्चा होता है जिसको जिससे आप आप फिशेस को फीड करने का कार्य करते हैं तो उसके अंदर जो क्रूड प्रोटीन है उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है क्रूड प्रोटीन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है इसके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा जी बताइए जल्दी से कितना परसेंट आपका क्रूड प्रोटीन लेवल प्रेजेंट होता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद सोयाबीन मील में जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 42 टू 48 ठीक-ठीक लगाएंगे आंसर 44 टू 48 पवित्रा 42 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है और गाइस जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं नए-नए बच्चे जो क्लास में आते हैं लाइक तो क्या करो यार सब सब क्लास को डेली राइट आंसर इज 42 टू टू फोर्टी परसेंट ठीक है इतना आपका क्रूड प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसके अंदर सोयाबीन मिल्क के अंदर जो कब बनता है जब आप उसमें से ऑयल एक्सट्रेक्ट सोया ऑयल को एक्सट्रेक्ट बन लेते हो इस सोया uh, ऑयल को कर लेते हो इसका इस्तेमाल किस लिए करते है? फिर फिश को फीड करने के लिए करते हैं ठीक है नाउ द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं फॉर लुक एट ऑप्शन मैं ऑप्शन रीड नहीं कर रही हूँ आई वॉन्ट यू टू गिव द राइट आंसर रीड ऑल द ऑप्शन राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन जी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या मार्क करेंगे एमपीडा स्टैंड फॉर में नहीं रीड नहीं कर रही मैं तुमको हिंट मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है नीलेष इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इलेवेंथ क्वेश्चन गाइज आप पहले इलेवंथ इलेवन 11 लिखेंगे देन यू विल राइट द ऑप्शन की इसका ए है बी है सी है या फिर डी है योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर इलेवन इज योर बी ऑप्शन ठीक है इतना सा वेरिएशन है, है प्रोड्यूस लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा है तो राइट ऑप्शन वाला आपका बी होगा यस सोनिया संध्या पिंकी वेरी गुड नीलम मरीन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ओके तो हल्के हल्के से वेरिएशंस थे सभी ऑप्शंस में ये मैंने खुद ही डाले थे वेरिएशंस सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज और आप लोग इस पे वर्क कर सको इस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान दे सको अगला सी ए ए की फुल फॉर्म मैंने यहाँ मेंशन ही कर दी है सी ए ए की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर मार्किंग एंड एट द टाइम ऑफ मार्किंग ऑफ द ऑप्शन एक्वाकल्चर अथॉरिटी आपकी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी होती है कब आएगा सोनिया परमार हम कह सकते हैं देखो यार अगर उन्होंने चार दिन के अंदर ही आपका आंसर की रिलीज कर दिया था तो आ, हम कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका मतलब ट्वेंटी अप्रैल तक फोर श्योर sure नहीं बट कुछ कह सकते हैं कि आ सकता है मतलब चांसेस हैं कि अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आ, आ सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट चलो गाइज आप लोग के नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होता जा रहा है ठीक है फिर सर की क्लास है अभी आप लोग की पुष्कर सर की क्लास है साढ़े दस बजे से तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे सो बिफोर एंडिंग लेट मी ऑल्सो इन्फॉर्म अभी आपके संदीप सर की क्लास चल रही है अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इफको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं ठीक है आप आज से आपके बैचेज में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 15 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की कैसे फॉर्म फिल करना है कहाँ से फॉर्म फिल करना है उसके लिए आज एक सेशन में फिर से लेकर आ रही हूँ तो मेक श्योर sure कि वो सेशन भी आप जरूर अटेंड कर ले ताकि आपकी वो जो क्वेरीज हैं वो जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर हो जाए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा वाई टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट एंड कमेंट में प्लीज जो क्वेश्चन आज दिया है टाइप्स ऑफ चेजिंग आपको बतानी है प्लीज आप कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर दीजिएगा ओके